कैंसर हो गया था, एक महीने बाद ब्लड कैंसर भी हो गया था। वो काफ़ी बहुत डिफिकल्ट इनका था और इनका इलाज कराना पॉसिबल नहीं था। तो आपके द्वारा बनाया गया आयुष्मान कार्ड, कितना समय हुआ सर? अभी 6 महीना भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कल भी मैं एपेक्स हॉस्पिटल में इनका इलाज कर रहा। तम्बाकू वगैरह खाते थे? जी गुटखा खाते थे। अभी तो सर जी हाँ, अब तो अभी अभी विश्वास आ गया आपको ठीक हो जाएगा। जी आयुष्मान कार्ड का पता कैसे चला आपको? जी आयुष्मान का जो आशा आती हैं उन्होंने कहा कि आपका वो नाम आया है आयुष्मान कार्ड में, तो वो कैंप लगा था, हम लोगों ने जाके वहाँ से बनवाया। तो वो आयुष्मान कार्ड में एच हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि आयुष्मान कार्ड द्वारा यहाँ इलाज होता है, तो वो लेकर मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि हम लोग भी छोटे मोटे काम करने वाले हैं, तो हम लोग पास में इतना नहीं था कि इनका इलाज कर पाए। आयुष्मान कार्ड द्वारा इनका इलाज हुआ, आज भी हमारे साथ। बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक दिन हम हॉस्पिटल में गए, पता किए तो बोल रहे हैं कि एक पैर का 1,00,000 रुपया लगेगा, दोनों पैर का 2,00,000 रुपया लगेगा। हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं, तो फिर हम 4-5 साल तक तो बेड पे ही हम थे। हमारी वाइफ कमा रही थी, हमें देख रही थी, मगर एक दिन हमें पता लगा कि आयुष्मान कार्ड का वो भैया है हमारे घर पर आया रहा लिफाफा। तो 5 साल बिस्तर पर रहना पड़ा। प्लास्टर बना रहा सही नहीं गया, तो फिर उसके बाद 5 साल बिस्तर पे ही थे। तो वाइफ अपना काम कर रही थी, हम अपना थे। फिर आयुष्मान कार्ड हमें मिला, तो आयुष्मान कार्ड की वजह से हम लोग मेडविन हॉस्पिटल में गए, उनको हम दिखाए, तो बोले वो बेटा तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। वही आज हमारा किया, आज एकदम हम दौड़ लेते हैं काम उन सब कुछ करने। और एक पैसा खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं। बहुत बढ़िया इलाज किया, बहुत बढ़िया इलाज किए। औरों को भी बताना नहीं भाई, कोई बीमार है, गरीब आदमी है। हमारे मम्मी का भी भैया अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी से हो गया। बहुत पहले से बीमार थी, अब बहुत बड़ा बड़ा हमारे हो गया है। अभी ठीक है? अब एकदम ठीक है, चलत फिरत ही अच्छा से। आपको कोई खर्चा नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं है। देखिए आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, और भी कोई गरीब है उनको बताना चाहिए। देखिए ये कार्ड है, आप इसका लाभ लीजिए। अभी बीमार को अभी घर में भी एक को बीमारी आती है, पूरा परिवार की 2-2 पीढ़ी खत्म हो जाती है। बच्चों को पढ़ाते हैं क्या घर आ गया? और पैसा समय पे मिल गया था? बीच में किसी को देना पड़ा पैसा? नहीं। कितनी कीमत में बना मकान? तो मतलब आप लखपति हो गए? हमारे घरों के साथ कहते थे आप लखपति है। हम सब पुरुष पति पत्नी दोनों दिव्यांग है सर, बड़े खपमैल में रहते थे सर, पानी गिरता था सर बैठ कर बिताते थे। दो हमारे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी। आपकी कृपा सर इस समय जो है अच्छे मकान में रह रहे हैं। चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं हमारी।